कितना बड़ा घर घर बना रखा है, और इसके नीचे ना सारी गायें ही है। ये देखो, क्या है तुम्हारा नाम? क्या है? आसी। और इसका नाम? अच्छा, इस जगह का नाम क्या है यहाँ? ये की कुनाऊ चौड़। अच्छा, ये बनी जैसा ना, मैं खोल जाए तो जूता भी जान खा ले। तुम ये मोबाइल ना कर भी करो। अच्छा, ये आपका है? अच्छा, ये किचन है? सही, यहाँ पे सोते होंगे ना। अंदर आए। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं भी ठीक हूँ। और हम सिका के घर से निकले और हम जा रहे हैं कहीं घूमने। हमने जाना था डिंडियाई रेस्टोरेंट, जहाँ पे डिंडियाई रेस्टोरेंट पड़ता है, पर वहाँ का हमें लोकेशन देखा तो बहुत दूर पड़ रहा है, क्योंकि हमने अभी वापस भी आना है। तो अब हमें ले जा रही है सिका, ले जा रही है दूसरे लोकेशन पे। पता नहीं वो लोकेशन कैसी है, कह रही कि बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा चल आज तेरी पसंद देखेंगे और आप लोग भी देखना सिका की पसंद। कह रही कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो फिर वहीं चलते हैं। ये मजे क्या भी नहीं, तो वहीं जाके पता चलेगा कि कैसा है। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। तो ये है छिद्रवाला चौक। तो मेरी फ्रेंड ये रहती है छिद्रवाला में, जो कि देहरादून पड़ता है। देहरादून में पड़ता है छिद्रवाला। कहते अभी और वही था। तो हम पहुंच चुके हैं चीला डैम, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि यहाँ चलते हैं घूमने के लिए। तो ये है वो डैम, और यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह से है, वैसे मतलब शांत एरिया, बढ़िया है। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी ना, फ्रेंड कह रही थी कि बहुत अच्छी जगह है, अच्छी बहुत अच्छी जगह है। पर ये अपने हस्बैंड के साथ आई थी यहाँ पे ना घूमने के लिए। तो कह रही थी कि जैसे हम शाम को आते हैं तो यहाँ पर अच्छा लगता है, कि गर्मियों के टाइम पे तो और अच्छा लगता होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और अच्छा लोकेशन भी लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब आपको कैसे लगी ये जगह? आप तो जीजा जी के साथ आ रहे हैं। बहुत आराम किया है, तब तो लाए मैंने, बोला कैसे लगी थी। हाँ, और मेरे व्यूअर्स बताएंगे मुझे, तो चलो मुझे मुझे कुछ नहीं रहता, बस व्यूअर्स को पसंद आनी चाहिए। तो मेरी फ्रेंड मतलब जीजा जी के साथ आए आप यहाँ ना? मैं बहुत आराम किया, पहले भी आ रखी, मैं जीजा जी के साथ आ रखी, आते रहते हम तो यहाँ। हाँ, इनका ये लोकल ही है यहाँ पे, यहाँ शांत माहौल है ना। हाँ, शांत है बिल्कुल, देख सकते हैं आप, बिल्कुल शांत लग रहा है। इस पुल से जाते हैं उस साइड, दिखाते हैं उस साइड क्या है कि। तो मेरी फ्रेंड कह रही कि यहाँ बाद में देखेंगे, ये कह रही कि और अच्छी जगह है नीचे की, वो नीचे चलते हैं। चलो फिर, नहीं हम लोग तो वहाँ जाना, मैंने पैदल चलो। तो यहाँ पर देख सकते कितनी भयंकर गदर गुदर है, कुछ इस तरह से ये बनी जैसा ना, मैं खोल जाए तो जूता भी जान खा ले। भाई ले जा रही है हीरोइन, देखते हैं। तुम ये मोबाइल ना कर भी करो। इसने जबरदस्त किया, पता क्या हुआ? पता नहीं और आगे ले जा रही, कह रही कि और अच्छा है कि लाल लाल दिला रही और आप लोगों को भी, ठीक है। क्या बनेगी ये अपनी पड़ो पड़ो, तो वीडियो बंद करना करना चाहती है। अच्छी से अच्छी लोकेशन मिली जोल वाले, क्या देखा जब कर दिया खाना। हाँ यार, अच्छे लोग ना यार, इतना मेरी फ्रेंड ना इतना प्यार से ले जा रही है यार, प्लीज आप लोग यहाँ जाएंगे? आपकी मर्जी, आपको कहाँ अच्छा लगता है। तो देखो यार, उसने ना आपके चक्कर में ना सूज भी की लगा। देखो देखो, कसम से यार ऐसी होनी चाहिए यार दोस्त। देखो आप लोग जरूर जरूर पसंद करें यार, देखो कितना। ये दोस्ती हम नहीं इस गुनिया के बाद छोड़ेंगे। आप लोग ऐसा कमेंट मत करना, पहले गाड़ी तो खाली है रोड, इसलिए हम यहाँ पे गाना बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल हम दोनों हैं और कोई नहीं है, खाली है रोड, नहीं तो कई लोग
अच्छा बैठ रहता है ना, ये गाड़ा गाड़ी चलाते समय वीडियो बन रहा हमें पता है ना, है ना, कि आप लोग भी आगे यही करते हैं तो अच्छा लगता है, आगे देख सकते हो कि सारी तरह का लोकेशन है, पर ये मुझे लालच दे रही कि और आगे बहुत अच्छा है, कि जिया जी ने बहुत घुमा रखा भाई इसको, तो जहाँ मेरी फ्रेंड ले जा रही है वहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा कच्ची रोड है, झपड़े वहाँ अच्छा है, मतलब फोटो फोटो खिंचाने के लिए देख रखा है मैंने वहाँ, वहाँ पे वो भी है टोपी टापी भी रहती गढ़ वाली टोपी है, चलो फिर कोई नहीं हम देखते हैं आगे, है ना, धन्यवाद भैया। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने यहाँ पर किसी से पूछा कि उसको भी इससे आगे का एक बार कह रही कि जिया जी के साथ आया था बहुत पहले, तो आज जंग से याद नहीं है, हैं जंगल लगे यो नहीं बोला यार नहीं जाना यार बहुत नहीं जाना घनो जंगल लगे यहाँ पर, हम हो गए हैं वापस और निकलते हैं इस साइड को फिर, यहाँ पर मेरी फ्रेंड कह रही कि यहाँ पे हम यहाँ से हम मुड़े थे और यहाँ से फिर कह रही कि यहाँ पे एक दूसरी रोड है कि वहाँ से है कि कहाँ है यार यहाँ ये बटा तो हम आए अच्छे हाँ ये बटा आए अच्छे ना या कितनी हो रही है रोड पे, चल अभी इसमें लोग गाड़ी होने पीछे पे तो हम पहुंच चुके हैं कोडिया है यहाँ का नाम, तो अभी कोडिया में पहुंचे हैं हम यहाँ पे। सच में यार मेरी फ्रेंड को भी आप लोग धन्यवाद बोलना, मेरा तो दिल से धन्यवाद है, वैसे फ्रेंडों को धन्यवाद नहीं दिया जाता, पर आज उसने ना इतनी जगह घुमाया ना मुझे, मैं क्या बताऊं यार, और उसने ना मेरे चक्कर में इतने बड़े गड्ढे में भी ले गए वो पानी की, देखा होगा आपने तो कह जूते नहीं रहे यार ऐसा है ना यार। और दोस्ती दोस्ती आप मजा आ गया, पता मजा आ गया इतना फुल एंजॉय किया बस, मतलब दोस्तों के साथ कुछ और ही मजा है ना घूमने के, फ्रीडम लग रही लाइफ, मैं आवे नीचे चला रहा हूं बचा हुआ यार मैं गौर बार कुछ ही नहीं बोला बस, फिर मस्ती करी ना बहुत, यहाँ पर हमने बहुत सारे रील्स बनाए, कितना मजा किया हमने, और फौजी की बुआरी है ये और इतनी जगह घुमा दी, जब मैं जिया जी घर आते ना बहुत जगह घुमाते हैं इसको, तो कह रही कि तेरे जिया जी यहाँ ले जाते वहाँ ले जाते, मैंने कहा तो जिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी फ्रेंड को इतनी जगह ले गए घुमाने के लिए, तो वो मुझे भी ले आई फिर ऐसी जगह घुमाने के लिए। आप लोगों को ना वो वाला गधेरा दिखाऊंगी जहाँ पर मेरी फ्रेंड के शूज गीले हो गए हैं, गीले हो गए थे, ये वाला है, तो मैंने कहा यार अब यहाँ से उधर भी जाना है, तब कह रही कि हाँ, तो ये है वो गधेरा जहाँ से देख सकते हैं स्कूटी वाला बेचारा, इतने पानी हो रखे यहाँ पर, अब मैंने कहा यार अभी यहाँ से वहाँ भी जाना, तो कह रही कि उधर नहीं जाना, कि तो ये है मेरे साथ, इधर इधर मुड़, ये मेरे खतरों के खिलाड़ी, ये जूते गीले इसे पूरे जूते गीले कर दिए, अभी हमने वो गधेरा पार भी करना है, तो कितनी सुंदर लोकेशन लग रही है यार यहाँ से, बिल्कुल गाड़ी लगा दी है स्कूटी लगा दी है, अब निकल पड़ते हैं, हमें यहाँ पे बहुत सुंदर लोकेशन दिख रहा है, तो हमने कहा क्यों नहीं हम आपको भी ऐसे लोकेशन पर ले चलते हैं, क्योंकि सड़क ये है और सड़क से बिल्कुल पास में है और बहुत सुंदर लग रहा है यार, आप लोगों को पसंद आए ना आए ये तो मैंने कहा यार कि सीखा चल रहा है यहाँ पे छोटे छोटे, तो हम देखने जा रहे कि है क्या यहाँ पे है क्या, जैसे गाय दिख रही है वहाँ पे, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, तो हम दोनों का चलो यार, तो आप लोग को भी ले जाते ठीक है। वाह यार कसम से ना मुझे अच्छा लगता है यार ऐसे लोकेशन में, देखो तुम यहीं पे, यहाँ पे देखो गाय भी है भैंस भी है बकरी भी है और छोटे छोटे यहाँ पे ना हट टाइप के घर भी बना रखे, बहुत सुंदर लग रहा है, और देखते हैं ये लोग वीडियो बनाने देते कि नहीं देते, है ना, कई जगह क्या होता है ना सिक्का किसी को पसंद नहीं देंगे, अब नहीं होता ना किसी को कैमरा फेस करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ऐसी जगह पर ना, मैंने स्पेशली बोला इसको, मुझे डर लग रही करके ओ ओ सीधा ओ, अरे कुछ नहीं करता, हाँ चल चल हिम्मत वाली है, चाय पी लेंगे ठंडा लगे, चाय बना दो ये देख सकते हैं यार यहाँ पे गाय भैंस, मतलब दूध का व्यापार करते हैं यार ये लोग, मुझे लग रहा है ना, हाँ दूध का व्यापार करते हैं, चल पूछते हैं इनसे अगर बोलेंगे, ये देखो ना कितना प्यारा लग रहा है यार घर में।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा घर घर बना रखा है, और इसके नीचे ना सारी गायें ही है। ये देखो क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? आसी। और इसका नाम? अच्छा, इस जगह का नाम क्या है यहाँ ये? कुनाऊ चौड़। अच्छा, स्कूल से आ रहे हो कि जा रहे? स्कूल से आ रहे हो? ये कुल्हाड़ी क्यों ले गए थे आप स्कूल में? इनके घर में थी ना हमारी कुल्हाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पर देखो यार, हमने सोचा ना कि यहाँ पर इन्होंने पेंट कर रखा है सुंदर सा, पर यहाँ पे ये पॉलिथीन लगा रखी है, बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं नहीं, उस साइड है पेंट, ही यहाँ पर वो टहनी बना रखी ना, उस साइड पेंट है, उस साइड भी ले चलते हैं आप लोगों को। अच्छा लग रहा है यार, है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को? मस्त लोकेशन, कमेंट करके बता। तो एक जीवन ऐसा भी रहता है यार, देखो वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। पता, यहाँ पे घर है और चारों तरफ उन्होंने एक बाउंड्री दे रखी है लकड़ी की, और यहाँ पे एक दो सुंदर सा घर भी है, और बीच में ना एक खाट टाइप की है, मतलब चारपाई टाइप की है। मैं दिखाऊँगी है नज़दीक से, तो चारपाई टाइप की है। ये मुझे कह रही कि आया अंदर चल, जब मैं यूँ घर बोल ए लच वन नहीं जानते यहाँ सीधा सी तो घुस गई पता अल चाय पी ए मैं नहीं तो हला करना ऐसे कर, जब तू सीधे चली जा मती तक कोई बोलो और चाय पीना कसम से यार, इसने आज इतना मजा दिला दिया ना, मस्त है यार। ये पता मना तो नहीं है ना ऐसे फोटो निकालने के लिए है? अच्छा लगा हमने। ये किस चीज का, ये क्या है यहाँ ऊपर एक घास जैसा, किस चीज की घास है ये? पूछ लेते हैं जब। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये आपका है? खाना यहाँ बनाता है? हाँ, वो किचन है। अच्छा, ये किचन है इस साइड? यहाँ पे सोते होंगे ना? अंदर आई? थैंक, धन्यवाद। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा भी होता होगा ना, गर्मी में ठंडा होता होगा ना? आजकल तो ठंड लगती होगी ना? आजकल तो ये पर्दे लगा रखे ना? हाँ, गर्मी में खोल देते हो? अच्छा, गर्मी में खोल के बिल्कुल ठंडा रहता होगा ना? हाँ। अच्छा, हमको अच्छा लगा ना यहाँ, हमारे यहाँ पंखा पंखा तो देख सकते हो अंदर आए हैं। हम यहीं पर थे ना, रोड पे थे यहाँ का। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप बैठे रहो। अच्छा, ये गाय भैंस सब आपकी है यहाँ पे, गौशाला का पूरा काम करते हैं। ये क्या है यहाँ पे? ये टोकरी ऊपर रहती है ना? अच्छा, घोसला बना रखा है चिड़ियों ने उसके लिए ना। खाना कैसे देते फिर नीचे उनको ऊपर? नीचे आ जाती है, उतर के तो चावल चुवल फेंक देते, खा लेती। अच्छा, फिर ऊपर चले जाती है ना? ऊपर रहती अच्छा, है। बहुत अच्छा काम है। ये देखो कितना प्यारा क्यूट बेबी लगा यार। अच्छा, अरे अरे, ये मेरा हसाड़ो कितने सुनो। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, हाय। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी गपशप लगाई और इनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई यहाँ पे तो यहाँ पे ना आंटी जी भी हमें बहुत प्यारी लगी। आंटी जी कह रही थी कि अरे क्यों डर रहे थे कि आ जाओ, और क्या लेके जाना है, बातचीत है, एक व्यवहारी है आदमी का सब कुछ है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सच में मुझे तो डर लग रहा था ना, कोई एकदम फेस नहीं करता ना कैमरा, है ना? बुरा काम है ना, हम तो अनपढ़ लोग हैं। आप तो भाई मेहमान हैं, जैसे हमारे मेहमान हैं। अरे धन्यवाद, लेकिन पढ़ाई के बारे में तो बहुत जानकारी। अच्छा, ननद की है और देवर की बेटी है। अच्छा ठीक है, मेरी पोती है। अरे यहाँ पर ये पोती है लेटी हुई। हाँ, बाघ का तो नहीं, दिन रात को ना, मतलब हाथी इधर तक नहीं आते ना, जैसे हाथी होती का डर है। अच्छा, इधर नहीं है ना? चल, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगा आंटी जी से मिलके, और उन्होंने ठीक है धन्य। आंटी जी कह रही कि आना कि अपना ही घर समझना, और जरूर आना कि ठीक है आएंगे हम जरूर। और यहाँ पे ना आंटी जी कह रही हमारा किचन है यहाँ पे, है ना? क्या किचन है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना कितना सुंदर ये बना रखा है इन्होंने, कलाकारी कर रखी है। अच्छा लग रहा है, दूर से तो और प्यारा लग रहा है। ये मौके भंडा चमकाया, आ जाए अंदर पक्का से बना ले यहाँ पे। नहीं नहीं माँ, कितना प्यारा लग रहा है यार। आप खाना खा रहे हो क्या? खाओ खाओ।
तो यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाना खा रहे, बहुत अच्छी बात है सच में यार। हाँ होना चाहिए सच में। ये देखो यार क्या प्यार है, भगवान करे ऐसा ही प्यार बना रहे। और ये इनका किचन है, कितना बड़ा किचन है पता, और कितने ज्यादा बर्तन है इनके, बाप रे कितने बर्तन लगा रखे हैं। नए नए शादी हो रही क्या आपकी? हाँ वो छोटा बच्चा आपका है ना? नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। सही में ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे प्यार भी होता, बहुत होना चाहिए भाई, होना भी चाहिए ना। और किचन तो देखो कितना बड़ा किचन है, बहुत बड़ा किचन है, और कितने सुंदर बर्तन लगा रखे हैं, और कितने ज्यादा बर्तन है इनके देखे। बस अभी खाया हमने भी, खा के आए। हाँ हमें अच्छा लगा यहाँ पे, तो हम अंदर आए वीडियो बनाने। चलो फिर बाय बाय। आपके यहाँ दूध है, अगली बार अगली बार आएंगे ठीक है? ठीक है, अगली बार दूध देना हमको दूध की अच्छी सी। बाय बाय ठीक है, बाय ठीक है, बाय ठीक है, बाय बाय आंटी, बाय बाय। आए ना अभी जो ये वाली बस्ती है, यहाँ से आए तो यहाँ के आने के बाद हमें ऐसा लगा ना कि इतना अच्छा लगा ना यहाँ से आने के बाद। और वहाँ के लोग भी कितने अच्छे हैं यार, है ना, सब ने हमसे ऐसी बात की है। कुछ जीवन ऐसा भी होता है, चाय पी के जाओ, कोई बोला दूध पी के, हमने बोला हम दूध पियेंगे, कोई कह रहा आना फिर आना, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं यार, है ना। हाँ मैं तो जीवन देखो कैसा है उनका, नहीं कैसा जीवन है भाई, तो सब देखना चाहिए वैसे ना। हाँ लाइफ में सब कुछ देखना चाहिए कि किसका जीवन कैसा है, किसका जीवन सब कुछ देखना। जैसे ना मैं एक छोटी सी बात बता, दुख सुख हर के जीवन में लगा है ना। जैसे हम सोचते हैं कि हम और आगे बढ़े और ऐसे करे वैसे करे, मैं बोलती ना हमेशा ना मतलब हमेशा अपने से छोटों को देखना चाहिए यार, कि नहीं तब अपना कष्ट ना, जैसे कभी कभी बहुत ऐसे से कष्ट आते हैं ना जीवन में, कि नहीं अपने कष्ट बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन लगते इनको हाँ। देख के ना इनको अपने कष्ट ऐसे लगता है कि यार हमारे तो कितनी सुख सुविधाएं हैं, कितना वो है, देखो इन लोगों का कैसा कुछ ऐसे जीवन ऐसे हो जाता है ना। जैसे मैं वहाँ पे गई ना, सच में मुझे ऐसा लगा ना उनको देख के कि देखो कितनी मिठास है उनकी बोली में, और कितना मन से साफ लग रहे हैं। कुछ नहीं लगा जीवन से, क्या है आप तो डर रहे हैं आने के लिए, क्या है कुछ नहीं है जीवन में, यही तो है। मुझे डर लग रही थी, मुझे देख के साथ में ले जाना है, और क्या ले जा सकते, इतने अच्छे ना मतलब। मैं इसलिए डर रही थी ना कि जैसे हम कई बार, क्योंकि मुझे पता है किसी किसी को वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, वो कहते कि नहीं यहाँ की वीडियो मत बनाओ, तो मैं इसलिए डर रही थी। फिर जब मैंने उन आंटी का व्यवहार देखा तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई ना। हाँ कोई नहीं आता ना एकदम, कोई अपने कैमरे से। ये तो इतना डर रही थी ना मेरे साहब बहादुर है, मैं वहाँ पे जाकर ना इमोशनल हो गई थी, पता नहीं जैसे कोई ना अच्छा थोड़ा जबरदस्ती अंदर लगे, चल चल क्या हो रहा है वहाँ पर, कौन सा क्या कर रहे हैं, इतना इमोशनल हो गई थी ना। वो आंटी जी इतना प्यार से बात कर रही थी ना सच में, कैमरे में तो मैंने थोड़ा कम ही निकाला। अरे एकदम थोड़ा ये होता ना कि कोई बोले कि क्यों निकाले, क्या निकाले, यहाँ से निकलो भागो, कई चीजें होती है ना। हम मुझे भी नहीं लगता जो मेरी वीडियो में आने के लिए खुश रहता है, मैं उन्हीं की वीडियो निकालती हूँ, वैसे मैं भी नहीं निकालती हूँ। पर सच मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और अब चलते हैं घर की तरफ, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से, इसकी बेटी आने वाली है स्कूल से, और इसके ना इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। एक बेटी क्या करती है, बड़ी वाली क्या करती है, देहरादून में एनडीए। हाँ एक इधर कौन बोलेगा इसको, इतने बड़े बड़े बच्चे कौन बोलेगा। हाँ सच में जल्दी कर दी थी ना इसने शादी। हाँ कितने साल में की थी शादी? मैं तो देर में हुई थी यार, 19-20 साल में। देर में हूँ पहले 19-20 साल में भी हो वाला, मैं देर है मैं करीब तो ये है बैराज जिला का डैम है यहाँ पे। वहाँ से आने के बाद हमने यहाँ पे हाफ हाफ प्लेट मोमोज के लिए बोला, क्योंकि भयंकर वाली भूख भी लग गई। तो पहुंच चुके हैं हम घर, और घर पे पहुंचते ही मेरी फ्रेंड ने, मेरे दगड़े ने कपड़े चेंज कर दिए हैं, और मेरे लिए देख कितनी सारी चीज दे रखी है यहाँ पे। ये देखा अमरूद, और ये संतरा है, कीनू है, और मूंगफली है, कि खा ले कि जो तेरी मर्जी है। और खुद अपने आप को बेटी लेने जा रही है। अब आ गई है मेरी फ्रेंड अपनी बेटी को लेके स्कूल से। तो ये है मेरी फ्रेंड की बेटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आगे थोड़ी देर पहले हमने आधा घंटा एक घंटा पहले हमने संतरा और अमरूद खिलाए थे यहाँ बाहर पे मेरी फ्रेंड ने। अब बताती हूँ मैं तो यहाँ पे चाय की बारी आ गई है। ये है खस्ता, और ये यहाँ पे दे रखे हैं अरसे और रोटने हैं यहाँ पे। ये पता नहीं कैसे ये कह रही कि रोटने हैं, मुझे तो वो मठरी टाइप की पता, ये मठरी टाइप की है, पर ये कह रही कि रोटने हैं क्या है वो। हाँ तो यार सच में ना मेरी फ्रेंड ने आज खिला खिला के मुझे खाए ये बताया ना, बोला क्या खाए थे
खवे खवे तो उनमें भगवान मैं अभी पता बिस्तर हम अभी नहीं बैठ सको उल्टी पलटी जबरदस्त बनी खाई खबर। तो अब घर जाने का टाइम हो गया और यहाँ पे चाय पानी पीते हैं। क्या बोली बोल तो मैंने कहा ये कह रही थी ना मैं कप निकाल दी। मैंने कहा नहीं यार चाय पीने का मजा ना स्टील के गिलास में। आजकल ठंड भी हो गई है लगा यार है ना रोज यार रो लिया था है ना हाँ। अब देख मुझे फिर बुला रही वो भी ऐसी है खुश मिजाज की। यार सच में आज हाँ। बहुत अच्छा लगा पूरा दिन कैसा निकला पता ही नहीं चला ना सच में यार हाँ। कितना एंजॉय किया फिर घर आए बच्चे देखो तो पता चला शादी हो रखी ना अब जाने वाले तो थोड़ा इमोशनल हो रही है। अरे अरे सुनो बच्ची यार सीखा मेरी विदाई कर रही है पिठाई लगा रही यार। मैंने कहा यार तू दोस्त है और ऐसे पिठाई क्यों लगा रही है कोई बात तो जबरदस्त लगा रही भाई अब क्या करे तो क्या दूं यार मैं एकदम से आई है कुछ देर मतलब ऐसे बोला तो कब से रही थी चुप रही रात को बोला साठ मत बोल ऐसा कुछ नहीं और क्योंकि ना कल ही रात को बना मेरा अचानक प्लान कि मैंने कहा मैं कल फ्री हूँ और क्योंकि इनका भी काम इसी साइड है ये भी अपने काम पे जा रखे हैं तो इन्होंने इनका फोन आ गया कि आ जाके काम निपट गया हो गया तो अगर कल भी इनका काम इस साइड पड़ेगा तो मैं कल भी आऊंगी ठीक है और नहीं तो फिर पता नहीं कब मुलाकात तो मजा आया पता आज कितना दिन कैसे बिल्कुल नहीं वैसा नहीं करना तो यहाँ हम बैठ रखे थे पता मतलब ऐसे ही बैठ रखे थे हम यहाँ पे तो इसने पता क्या बोले कि चल चल मैंने कहा दो हो गए एक ही दिन में क्यों बोला तूने चल रे इसके वो जीजा जी का फोन आया ना कि आजा और ये तब से कभी यहाँ पे फोटो खींच रही कभी वहाँ पे खींच रही मैंने बोला चल चल आये मेरे को हंसी आई फिर मैंने बोला ले चल अपना बैग खवाए खवाए चल भाग मतलब पांच दस मिनट हो गया पांच मिनट हो गया उनको फोन करे हुए कि आ जा जी आप भी आ जाओ इधर के कल आऊंगा मैं कल आएंगे कल अगर कल यहाँ का अगर काम बन गया तो ठीक है नहीं तो नहीं बना तो फिर कल भी आ सकते हैं हम यहाँ जय जी को टाइम ही नहीं मिला आने का मैं तो बोल रही थी चलो 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 बहुत अच्छा थी आएंगे आएंगे पर आए नहीं वो क्या कर सकते नहीं तो यार चल कोई नहीं काम हो जाए तो ठीक है पहले नहीं है जाना तो लगा ही रहेगा जेल जाना चाहू तो टन मारी बैठी जेल जान क्यों खड़ो हुई था और से चल 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 इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं लगी और चल खिलाए खुलाए घुमाए घुमाए पिटने लगा अल्लाह सर चल 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 तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मिलती हूँ ठीक है ओके बाय बाय अगली वीडियो में मिलना है ठीक है फ्रेंड आ रही है मुझे छोड़ने और उसकी बेटी भी आ गई है ट्यूशन से तो ये अपने बेटी को बोले कि चल अंदर जा बल तू इसको चल चल वाला रोग पता नहीं क्यों लगा अरे कोई नहीं यार ठीक है बेटा बाय बाय बाय। कहाँ तक जीजा जी है जहाँ पे अच्छा वहाँ तक छोड़ के आती हूँ उनका काम भी हो गया होगा वहाँ पे नहीं हाँ 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 फिर आप यार कल है ठीक है हाँ हाँ देखते हैं कल कल